अस्सलाम वालेकुम, MJT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ की GDP का सलूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 4 हैं और इसकी ड्यू डेट जो है वो 12 जुलाई है। और इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, जो इसकी प्रोविजंस है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कौन कौन सी जो है वो प्रॉमिसरी नोट की हैं और कौन सी नहीं है। ठीक है, नंबर 1 पे है जी, आई प्रॉमिस टू पे उमर ऑन डिमांड ₹5,000 एट माई कन्वीनियंस। आई एम लायबल टू पे अब्दुल्ला ₹5,000। आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर ₹5,000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। ठीक है, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे मुर्तजा और ऑर्डर ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये 4 आपके को जो है स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी जो है वो प्रॉमिसरी नोट के लिए है और कौन सी नहीं है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। MJT 611 की GDP का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपने हैंडआउट्स में से लेक्चर नंबर 32 को और इसको इसके ऑनवर्ड लेक्चर्स जो हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, आपने उनको थॉरली पढ़ना है, फिर आपने इसका सलूशन करना है। ठीक है, एक आइडिया सलूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन मैंने इसलिए नहीं लिखी कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉपी कर लेते हैं। चलें जी, नंबर 1 पे हम देखते हैं कि जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया कि आई प्रॉमिस टू पे उमर ऑन डिमांड ₹5,000 एट माई कन्वीनियंस। तो ये एक प्रॉमिसरी नोट है क्योंकि इसमें जो है सारी कंडीशंस और जो एसेंशियल्स हैं वो प्रॉमिसरी नोट के वो शामिल हैं। लाइक उसमें प्रॉमिस भी शामिल है, उसका जो जिसको हमने प्रॉमिसरी है वो भी शामिल है, जिसको हमने पेमेंट करनी है वो भी शामिल है, और ऑर्डर और डिमांड भी शामिल है, और रुपीज़ जितने देने हैं उस वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये एक जो है प्रॉमिसरी नोट होगा। नेक्स्ट पे आई एम लायबल टू पे अब्दुल्ला ₹5,000। तो ये जो है एक प्रॉमिसरी नोट नहीं है क्योंकि उस ये स्टेटमेंट बता रही है इसमें कि मैं जो है इस चीज़ के लिए अब्दुल्ला को 5,000 देने के लिए वाजिबल अदा है मेरी तरफ। ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए जो है लायबल हूँ। तो ये एक प्रॉमिस नहीं है, ये सिर्फ ख़ुद की एक कंडीशन है। ये बता रहा है कि मैं जो है मुझ पे उधार है और मैंने ये चीज़ पे करनी है। तो ये प्रॉमिसरी नोट की एसेंशियल इसमें शामिल नहीं है, तो इस वजह से ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। नंबर 3 पे जी है कि आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर ₹5,000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। देखिए, ये भी एक प्रॉमिसरी नोट नहीं है। उसकी वजह ये है कि बेशक इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, इंटरेस्ट अगर शामिल हो तो उसका इंटरेस्ट का रेट भी शामिल होने चाहिए। ठीक है, ये उसके एसेंशियल में शामिल है कि आपका इन प्रॉमिसरी नोट में जो भी आपने अमाउंट लिखी हो वो एक डेफिनेट और एक सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कोई हमारे पास होता लाइक 10% 20% जितना भी होता, ठीक है, तो सिर्फ इन्होंने ये टाइम पीरियड बताया कि क्वार्टरली रेस्ट पे हमने इसको कैलकुलेट करना है, पर इंटरेस्ट का आप उन्होंने एक रेट नहीं बताया कि किस रेट पे हमने कैलकुलेट करना है। तो 5,000 तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, उसकी इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉमिसरी नोट नहीं है क्योंकि इसमें अमाउंट जो है वो डेफिनेट नहीं है। उसके बाद में ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे मुर्तजा और ऑर्डर ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव। तो ये भी एक प्रॉमिसरी नोट है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एसेंशियल जो हैं वो शामिल है, जो प्रॉमिसरी का नाम भी शामिल है, जो प्रॉमिस कर रहा है वो भी शामिल है, और जो अमाउंट है वो भी, जो पेएबल है वो भी शामिल है। ठीक है, तो ये सारे एसेंशियल्स की वजह से ये एक प्रॉमिसरी नोट है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।